सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय तो फिर बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। बता दूं, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी है। बता दूं तो इनके घर पे ना 3 जन आए, ठीक है, वो बाबा बन के आए थे। बट भाई उनको कुछ भी पता नहीं था, ना गायत्री मंत्र पता था, ना हनुमान चालीसा पता था। भगवान श्री राम का भाई का नाम जब उन्होंने पूछा तो वो 3 जन वो भी नहीं बता पा रहे थे। इसके बाद क्या था भाई, वहां पे कलेश हो गया, काफी लंबा वीडियो है। बता दूं वो लाइव आए थे, मैं पूरा क्लिप दिखा नहीं सकता ड्यू टू गाइडलाइन इश्यूज। बीच बीच में मैं ब्लर भी कर दूंगा क्योंकि वहां पे कुछ वायलेंस वगैरह भी है ना। मैं 1-2 मिनट का क्लिप दिखाता हूं, आप देखिए। चलो पंडित जी, हनुमान चालीसा सुना दो। ये तो नाथ बाबा है, नाथ है, गुरु गोरखनाथ। हनुमान चालीसा सुना दो। हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं बाबा। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? अनपढ़ है। अनपढ़ हो? ओहो, एक सेकंड, नाथ है जो अपने गुरु गोरखनाथ है ना। हाँ हाँ, गोरखनाथ है। एक मिनट रुको, कोई बात नहीं मेरे भाई, गोरखनाथ जी हैं, ठीक है, सारा सब सही है। हनुमान चालीसा सुना दे फटाफट, नहीं साढ़े कैसी तोड़ूंगा। हनुमान चालीसा सुना, गायत्री मंत्र सुना, आधार कार्ड का, आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। किसके घर में है तू, पता है तेरे को? किसके घर में पता है तेरे को? किसके घर में तेरे को पता है? पता है तेरे को? भागने नहीं दूंगा बैठ यहां, समझ रखा है तुमने भारत की जनता को? गायत्री मंत्र ना 4 साल के बालक को आता है। तुम हिंदू, मेरे को धर्म से नहीं है किसी से, मैं कौन होता हूँ? तुम हिंदू नहीं हो तो हिंदू बन के ड्रामे क्यों रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को कह रहे हो पहलवान कृपा होगी, कपड़े उतार, अंडरवियर नहीं उतरवाऊंगा, बेफिकर बेफिकर रहे, अंडरवियर नहीं उतरवाऊंगा, कपड़े उतार, उठक बैठक लगाओ। मेरे फोन की चार्जिंग भी खत्म हो गई है। इन्हें ये नहीं पता राम के भाई का नाम है लक्ष्मण, इन्हें गायत्री मंत्र नहीं पता, इन्हें हनुमान चालीसा नहीं पता। मैंने तुम्हारी थूत देखते ही समझ लिया था बनाने के घूम रहे हो। तेर को पूरी कॉलोनी में कोई नहीं बचा सकता, तू गलत घर में आ गया। आप बिना कुछ नहीं बचा। अभी सुन, अरे मेरे भाई बाहर तो हाँ पुलिस खड़ी है यार। मैं घर में था अकेला, पापा मम्मी थे बाहर, यहाँ आ रखे थे अंदर। अब मेरे घर में अंदर कोई कैसे घुस जाएगा? तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आईएसओ स्पीड के बारे में। तो आईएसओ स्पीड गॉट स्वॉटेड। अभी स्वॉटेड क्या होता है भाई? तो कुछ लोग जिनको जो स्ट्रीमर का एड्रेस पता होता है वो लोग क्या करते हैं, स्वॉट टीम करके होता है, ठीक है, मान के चलो पुलिस उनको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि इस एड्रेस में एक्सट्रीम वायलेंस हो रहा है, मार पिटाई हो रहा है, ये सब। इसके बाद जो स्वॉट टीम रहते हैं यानी कि पुलिस, वो आ जाते हैं ना। तो वैसा ही वो आईएसओ स्पीड के साथ, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उनके साथ हो रखा है। इस बार तो स्वॉट टीम उनके घर के अंदर ही पहुंच गए थे। यस, आप देखिए ना क्लिप। Bro. Oh. Yo, what is going on? We got spotted, bro. That's weird as fuck. Hold on, y'all. I'll be right back, y'all. Hey, just come outside, bro. We don't need you to get all dressed and stuff. Oh, yeah. Good call. Yeah. Sorry, you're doing this on your own. Yeah, but I'm fucking dead after this. Oh, wait. Chillin'. तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में, 4 बंदों के बारे में ये न्यूज बता दूं। आसाम से है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं ना, एक मुर्गी के प्राइवेट पार्ट में फायर क्रैकर्स घुसा देते हैं, ठीक है, एंड वो फायर क्रैकर्स को वो लोग जो है बस्ट भी करते हैं। ऑफ कोर्स वो जो मुर्गी है ना वो तड़प तड़प के मरी ना। अभी एक एनजीओ है, ठीक है, पीपल फॉर एनिमल्स करके, उन्होंने पुलिस को अर्ज किया टू टेक एक्शन, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, बता दो। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात कर चुके, कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने अपना न्यू वीडियो का टीजर डाल दिया, वो वीडियो भाई पैरोडी वीडियो है। अब उस टीजर में तो रणवीर अलाहाबादिया एंड अंकित बैनपुरी का पैरोडी हमें देखने को मिल रहा है। बोलिए मोटिवेशनल स्पीकर पैरोडी कमिंग सून, हैशटैग लाइफ चेंजिंग पैरोडी, वो टीजर आप भी देखिए। कम डाउन टू द सीरियस क्वेश्चंस, आप फैप करते? हां भाई, दिन में 4 बार करे हूँ, आज एक होटल में भी करके आया हूँ। यू कभी ना है, कभी खड़ा ना हुआ आज तक, ऐसा लगे हो जाता है कभी कभी, अगर कोई हॉट देख जाए तो, या कोई फोन पे पैक हो, दीवार में छेद हो तो, फुटबॉल, मेदू वड़ा, ब्लैक होल, फ्रिस्बी, अनियन रिंग्स, थाला चाबी। कल तो फूलों को देख के हो गया था, वो तो गोल भी नहीं है।
बता दूं इसके ऊपर अभी तक रणवीर अलाहाबादिया एंड अंकित बयानपुरिया ने रिएक्ट नहीं करा, अगर वो करते देन फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में। यस, अभी फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच चल रहा है एंड आज है भाई इंडिया वर्सेस कतार का मैच। एंड ये मैच जीतना भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बता दूं राउंड टू के ग्रुप ए में अभी इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे चार टीम्स है, इंडिया, कुवैत, कतार एंड अफगानिस्तान। एंड अगर इंडिया को नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करना है फिर आज का मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको राउंड टू ग्रुप ए के टॉप टू में होना पड़ेगा, तभी वो तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। और काफी सारे यूट्यूबर्स इसको शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, कुछ स्टोरीज आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। हमें सपोर्ट करना चाहिए भाई, और इंडिया क्वालिफाई कर जाते फीफा वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री का ये एक ड्रीम है। तो आज शाम 7 बजे से मैच स्टार्ट होगा, तो भाई जरूर से देखना, ठीक है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, डेविड वार्नर के बारे में। आपको बता हुआ डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ना किसी ने डेविड वार्नर को टैग करते हुए लिखा था, डियर डेविड वार्नर यू हैव ब्रोकन बिलियंस ऑफ हार्ट्स # इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल। तो उसके बाद डेविड वार्नर अपोलोजाइज करते एक ट्वीट करते हैं, आई अपोलोजाइज, इट वॉज सच ए ग्रेट गेम एंड द एटमोस्फियर वॉज इनक्रेडिबल, इंडिया रियली पुट ऑन ए सीरियस इवेंट, थैंक यू ऑल। इसके नीचे काफी सारे लोग यही कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ऐसे अपोलोजाइज मत करो, आप लोगों ने अच्छा खेला, आप लोगों ने जीत लिया। और सुनो, विराट कोहली की सिस्टर भावना कोहली डिंगरा ने रिएक्ट करा इंडिया जो फाइनल हारे उसके ऊपर। वो लिखी, आई नो वी ऑल एक्सपेक्टेड ए डिफरेंट रिजल्ट बट वी आर विद यू टीम इंडिया बिकॉज यू डोंट गिव अप ऑन योर फैमिली व्हेन दे फॉल, इनफैक्ट दैट्स द टाइम वी सपोर्ट देम। और सो गाइस आपको बताओ 23 नवंबर से जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का T20 सीरीज है, कौन कौन से प्लेयर्स को मौका मिला आप देख सकते हो। लेकिन इस बार भी संजू सैमसन का नाम लिस्ट में नहीं है, और जो युजवेंद्र चहल का भी नाम नहीं है ना, युजवेंद्र चहल एक ट्वीट किए थे आप देख सकते हो ये वाला इमोजी। और जो काफी सारे लोग सैड है संजू सैमसन के लिए भी कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। और जैसे मैं बताया काफी सारे लोग संजू सैमसन को लेकर सैड है, वैसे फ्लाइंग बीस्ट अभी तक सैड है। अब ऐसा क्यों भाई, आप खुद देखिए भाई। दिल्ली पहुंच चुका हूं, बट यार नहीं हो पा रहा मैं रिकवर यार, कल के मैच की हार के बाद अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये बहुत ही डिजर्विंग टीम थी। दिस टीम डिजर्व वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा डिजर्व्ड अ वर्ल्ड कप यार। ये जो लेगेसी एंड प्लेयर्स की, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। पता नहीं भगवान ने क्यों छीन लिया वर्ल्ड कप हमसे यार। आई एम श्योर दे वर्क्ड वेरी हार्ड यार, दे डिजर्व द वर्ल्ड कप, एंड अभी तक आई हैव नॉट डाइजेस्टेड द फैक्ट कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। आपको पता है उन्होंने जो रिसेंटली लॉन्च किया सिस्टम क्लोथिंग, तो उसके ना बहुत सारे फेक वेबसाइट्स बन रहे हैं। एक ने तो फेक वेबसाइट बना के एड भी चला दिया, जिससे क्या होगा सिस्टम क्लोथिंग अगर आप सर्च करते हो देन फिर वो फेक वाला टॉप पे आ जाता है गूगल पर। इसके बारे में वो बताया आप देखिए भाई, एक नया स्कैम आया मार्केट में, इसने ध्यान से सुनना। देखो सिस्टम क्लोथिंग तुम गूगल पे सर्च मारोगे ना तो सबसे ऊपर जो आती है ना फेक है भाई, दिस इज फर्जी साइट अपनी है ये सिस्टम क्लोथिंग system.com। इसके अलावा system.shop ये नहीं है भाई, अपनी ये है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम इनने कॉपी मार रखी है कि स्कैमर है भाई, इस पे अपने पैसे पूछे मत रटवा देना कहते फिर मेरे तक आओ। यो है अपनी यो वाली, ठीक है, दूसरी वाली सिस्टम क्लोथिंग सिस्टम शॉप नहीं, मैं हाईलाइट में भी डाल रहा हूँ इसको। और जो टोटल गेमिंग के नाम से भी एक स्कैम चल रहा है, तो टोटल गेमिंग के नाम से ना एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, जिसपे 5 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स है भाई। अब यार टोटल गेमिंग को कोई फैन अकाउंट बनाए तो दिक्कत नहीं है, बट कहाँ पे होता है दिक्कत, जब कोई ये प्रिटेंड करे कि मैं ही हूँ टोटल गेमिंग एंड ऐसा करके लोगों के साथ स्कैम करे। उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वीडियो भी शेयर किया कि कैसे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो ना फेक अकाउंट को। फिर इसके बाद टोटल गेमिंग ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वॉइस मैसेज भेजे, आप सुनिए। भाई आई होप तुम लोगों ने ये वाला जो मैंने वीडियो मैसेज भेजा है अभी वो देखा होगा, और उसमें एक आईडी है जो कि फेक आईडी है मेरे नाम किए, और इसे बहुत सारी आईडी है। मैं नहीं बोल रहा कि उसी आईडी ने किसी के साथ स्कैम किया है, बट बहुत सारी ऐसी आईडी होती है, और ये तो बहुत बड़ी एक आईडी है, 5 लाख के ऊपर फॉलोअर है उसके और मेरे नाम से है। तो इसमें दिक्कत मेरे को भी कुछ नहीं है, आप चलाओ फैन पे चलाओ, उसमें मेरे को कोई पंगा नहीं है। बट आप जब क्लेम करते हो कि ये अज्जू भाई का अकाउंट है तब प्रॉब्लम आती है, और उससे जब आप किसी के साथ स्कैम करते हो तब प्रॉब्लम आती है। तो इसे जो भी लोग पेज वगैरह फेक पे चला रहे हैं उसको आप लोग सभी लोग रिपोर्ट करो, मेरे नाम से चल रहे हैं। बाकी एक स्पेसिफिक अकाउंट जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया ना उसको सभी लोग जाके रिपोर्ट कर दो, ताकि ये अकाउंट डिलीट हो जाए या वो भाई नाम चेंज कर ले और हमारा जो एक स्कैम वाला सीन है वो बंद हो जाए। वरना किसी के साथ स्कैम हो गया तो वाट लग जाएगी हमारी कि भाई हमने अज्जू भाई के नाम पे दिए। अब अज्जू भाई को खुद पता नहीं, अज्जू भाई खुद कंप्यूटर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, सौरभ जोशी के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि सौरभ जोशी का वीडियो को जो है ब्लॉक कर दिया यूट्यूब ने ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस ना, क्योंकि वो ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच का कुछ क्लिप्स वगैरह डाल दिए थे अपने व्लॉग में। तो उसी के बारे में सौरभ जोशी भी बात की अपने व्लॉग में, आप देखिए। मेरी आज वाली यूट्यूब की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ना वो उड़ चुकी है, बिकॉज कल मैंने मैच वाली दिखाया था, थोड़ा बहुत मैच दिखाया था उसमें, उसकी वजह से भाई मैंने कुछ इतना ज़्यादा मैच तो दिखाया नहीं था, थोड़ा बहुत दिखाया था और बोल के बताया था कि इतने रन हो गए, ये हो गया वो हो गया,
पता नहीं यूट्यूब ने वीडियो पूरी वीडियो उड़ा दी, अब आप देख नहीं सकते। ये देखो ये दिखा रहा है ब्लॉक्ड और आईसीसी सीडब्ल्यूसी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बट मैंने इतना कुछ दिखाया नहीं, थोड़ा बहुत दिखाया था मैंने, वो भी लैपटॉप से दिखाया था थोड़ा बहुत, लैपटॉप से मैच देखते हुए। चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं दिखाऊंगा, आगे से कभी मैच होगा ना कभी नहीं दिखाऊंगा, बस बोल के बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात होगी, एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन और इक्का का जो रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो आउट हुआ रिसेंटली उर्वशी, उसमें 3 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गया ना, वो लिखे शुक्रिया सबका, 10 मिलियन इन 3 डेज, लेट्स गो, हक है कट्टर फेम। और यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स का बात करते, बात करते मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो का तो पता ही है आपको यार, हर वीडियो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उन्होंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया आई स्पेंट 7 डेज बरीड अलाइव, उसमें आप देख सकते हो 1 दिन के अंदर अंदर 58 मिलियन व्यूज है भाई। वो लिखे आई स्टिल कांट बिलीव दिस मेनी पीपल शो अप एवरी टाइम आई अपलोड, आई लव ऑल ऑफ यू। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात, एक ड्रंक पैसेंजर के बारे में, जो कि एक इंडिगो फ्लाइट जो कि जयपुर से बेंगलुरु जा रहा था, वहाँ पे वो जो ड्रंक पैसेंजर है ना 33 ईयर ओल्ड का है, वो रिपीटेडली एयर होस्टेस का हाथ वगैरह पकड़ रहा था, उसको वार्निंग भी मिला था तब भी वो नहीं मान रहा था, वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा था ना, बता दो अभी वो बंदा अरेस्ट हो भी चुका है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात, सलार वर्सेस डंकी के बारे में। तो आपको बताओ कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सलार एंड डंकी जो एक ही दिन पे रिलीज होगा, बट फिर बाद में कुछ रिपोर्ट्स आए कि सलार को जो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार दोनों ही बहुत बड़ी फिल्म है, दोनों का ही कलेक्शन में फर्क पड़ेगा। अभी ना काफी ज्यादा डिस्कशन वगैरह चल रहा है पोस्टपोन करने का, एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ VFX इशू हो रखे है सलार फिल्म में, एंड ऑल्सो एक रीजन ये भी है कि डंकी भी उसी दिन रिलीज होने वाला है, तो वो क्लैश अवॉइड ही करना चाहेंगे ना। MPTC है ना ही डंकी के मेकर्स चाहते कि सलार उसी दिन रिलीज हो, ना ही सलार के मेकर्स चाहते कि डंकी उसी दिन रिलीज हो, दोनों ही क्लैश को अवॉइड करना चाहेंगे। लेट्स सी भाई, कुछ कंफर्मेशन मिलता मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।